नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है धारा जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, हॉस्टल वार्डन के लिए जो क्लासेस हैं यूट्यूब में लाई जा रही हैं, और इसी संदर्भ में हमने बाल मनोविज्ञान की जो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट की है। और आज उसी टॉपिक पे, बाल मनोविज्ञान पे ही हम नया टॉपिक लेने वाले हैं, और इस टॉपिक का नाम होगा क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता। चलिए, तो पढ़ने का जो पैटर्न रहेगा वो वही रहेगा, थ्योरी पार्ट देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आपके सिलेबस में जो वेटेज है किसका, तो चाइल्ड साइकोलॉजी का, वो कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स का। तो यहाँ पे आपसे उम्मीद की जाती है कि आप क्या करें, जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, कुछ स्कॉलर्स हैं, इसके अलावा कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं, उसी को ध्यान से अच्छे से पढ़ें। किसी प्रिंसिपल पे या किसी सिद्धांत पे जाके बहुत ज्यादा रिसर्च करना, उसको समझने का प्रयास करना, ये आपसे उम्मीद नहीं की जाती। तो यहाँ पे पढ़ने का एक अच्छा तरीका हो सकता है कि किसी भी टॉपिक को आप क्या करें, 5 से 6 पॉइंट निकाल लें और उस टॉपिक को अच्छे से डील कर लें, और उसमें जो फैक्चुअल पॉइंट है उसको रट लें। ठीक है, तो बहुत ज्यादा रिसर्च करने का प्रयास इसमें ना करें यदि आप एग्जाम को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी किस प्रकार से इसको कवर करने वाले हैं, तो सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशन यानी परिभाषा, कुछ मूल तत्व बताए गए हैं टॉरेंस के, 4 तत्व इसी से संबंधित है, विशेषताएं, क्रिएटिविटी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। इसके अलावा उसको आपको चरण पता होना चाहिए कि क्रिएटिविटी किस प्रकार से प्रारंभ होती है, बीच में क्या होता है, और किस प्रकार से वो संपन्न होती है। कुछ सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो बताए गए हैं क्रिएटिविटी को बढ़ाने के उपाय, यानी कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है, और उसके मेजरमेंट के तरीके यानी उसके मापन के तरीके। तो यदि आप इतने टॉपिक को कवर करते हैं, इसके थ्योरी पार्ट को देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को डील करते हैं, तो आपका ये टॉपिक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। चलिए, परिभाषा पे या इसके अर्थ पे या मीनिंग की बात करें, दोनों पे, पहले तो अर्थ क्या होता है फिर परिभाषा हम देखेंगे। जहां पे आपको पता है कि अलग अलग जो स्कॉलर हैं, है ना, जिन्होंने इस पे काम किया है, उसके आपको डेफिनेशंस देखने रहते हैं। तो यहाँ पे यदि अर्थ पे बात करें, तो यहाँ पे सिंपल सा अर्थ है, क्रिएटिविटी का मतलब है किसी समस्या के निदान यानी निवारण का जो एक परंपरागत तरीका होता है, परंपरागत प्रतिमान होता है, उसको छोड़कर एक असाधारण तरीके से, एबनॉर्मल तरीके से थिंकिंग, ये क्या कहलाता है। तो क्रिएटिविटी मतलब किसी समस्या का आपको निवारण खोजना है, आप उसके लिए परंपरागत तरीके, मतलब जो हर कोई करता है, उस तरीकों को छोड़कर नए तरीकों को, है ना, एबनॉर्मल तरीके से, असाधारण तरीके से काम करें, तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है क्रिएटिविटी। ठीक है, ये कहलाता है क्रिएटिविटी, मतलब आपको किसी एक समस्या के मल्टीपल ऑप्शंस को देखना है, विकल्पों को देखना है, आप एक ही तरीके से नहीं सोचेंगे, आप मल्टीपल तरीके से सोचते हैं, मतलब आप कैसे लोगों में हैं, तो आप क्रिएटिव लोगों में हैं, ध्यान रखेंगे। ये किसका ब्रांच है, तो ये व्यक्तित्व मनोविज्ञान का ब्रांच है, किसका ब्रांच है, तो ये व्यक्तित्व मनोविज्ञान का ब्रांच है, ध्यान रखेंगे, है ना, यानी ये पर्सनैलिटी साइकोलॉजिस्ट का ब्रांच है, ध्यान रखना। परिभाषा, परिभाषाओं में आपको पता है कि आप अलग अलग जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके देखते हैं, तो यहाँ पे क्रिएटिविटी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है वो कौन सा एक डेफिनेशन हो सकता है, तो उसको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन के रूप में ले लेते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, मतलब एक मेंटल प्रोसेस के रूप में लिया है, किसने, ये आपसे पूछा जा रहा है, किसके लिए, तो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने के लिए, यानी आपको यदि मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करना है, तो आपके दिमाग में जो चीजें चलती है, मानसिक प्रक्रिया चलती है, वही सृजनात्मक का रूप है, ऐसा किसने कहा है, तो कोल एवं ब्रूस ने, डेवल ने, डिहान ने, या क्रो एंड क्रो ने, तो ध्यान रखना ये स्टेटमेंट किसका है, तो क्रो एंड क्रो का है। ठीक है, जबकि डिहान के अकॉर्डिंग क्या है, तो डिहान ने सिंपल सा बोला है कि किसी भी वस्तु की प्राप्ति या उसका उत्पादन, है ना, किसी भी वस्तु की प्राप्ति या उसका उसकी उत्पादकता, वस्तु की उत्पादकता, ये क्या कहलाती है, सृजनात्मकता कहलाती है, मतलब अल्टीमेटली
आपको क्या करना है, किसी वस्तु को प्राप्त करना है जो आप चाहते हैं। जैसे किसी ने नहीं सोचा था कि एक ऐसा यंत्र होगा जिसको आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, उसके द्वारा आप उससे कहीं पे भी बैठ के बात कर सकते हैं, यानी मोबाइल। तो यहाँ पे अल्टीमेटली उसमें एम को देखा गया, ठीक है, कि क्या एम है। एम ये था कि हम किसी दूर व्यक्ति से भी बात कर सकते हैं और जिसके लिए हमको कोई वायर की आवश्यकता नहीं हो और वो वायरलेस हो, हल्का हो, हम उसको ले जा सकते हैं। मतलब किसी भी प्रोडक्ट के उत्पादन के लिए जब हम सोचते हैं तो सोचना एक साधन है, ध्यान रखेंगे क्या है, एक साधन है। इसीलिए बोला जाता है कि जो सृजनात्मकता है वो सात दिन होकर क्या है, साधना है, है ना, क्या है, सात दिन होकर एक क्या है, साधन है, मीडियम है जिसके द्वारा हम अपने एम को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे वही बात की गई है कि किसी वस्तु की उत्पादकता के लिए जिस चीज को हम प्रयोग करते हैं वही क्या है, सृजनात्मकता है। और ये कथन कहा गया है ध्यान के द्वारा। तो ध्यान रखेंगे सृजनात्मकता सात दिन होकर साधन है जिसको हम यूज करते हैं। चलिए आगे परिभाषा और अर्थ को समझने के बाद हम देखते हैं तत्व को। तो मूलतः इस पे सबसे ज्यादा जो वर्क किया है वो किसने किया है, तो टॉरेंस नामक एक जो स्कॉलर है उन्होंने किया है, ठीक है। पूरा नाम क्या है, तो एलिस पॉल टॉरेंस, एलिस पॉल टॉरेंस। तो टॉरेंस महोदय ने क्या किया, चार तत्व बताए हैं, चार एलिमेंट बताए हैं। आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कितने इसके मूल तत्व बताए गए हैं, तो चार तत्व बताए गए हैं किसके, ये टॉरेंस महोदय के अकॉर्डिंग है कि क्रिएटिविटी में एटलीस्ट ये चार चीजें होनी चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कि क्रिएटिविटी में और भी चीजें होती हैं जो उसकी विशेषता के तौर पे आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो फ्लुएंसी, इसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनैलिटी, इसके अलावा इलेबरेशन, यानी फ्लुएंसी यानी प्रवाहिता प्रवाह, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, ओरिजिनैलिटी यानी मौलिकता, और इलेबरेशन यानी विस्तारण। मतलब प्रवाह होना चाहिए, आप जब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पे आपके पास छोटे छोटे बिंदुओं पे क्या करते हैं आप चीजों को, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। क्रिएटिविटी का मतलब ये है कि यदि आप किसी एक डायरेक्शन में किसी चीज को सोच रहे हैं तो उसी प्रवाह में उसी आगे आपको क्या होना चाहिए, चीजों को सोचना चाहिए। तो एक प्रकार से थिंकिंग में आपके एक प्रवाह होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए। किसी एक जगह पे जाके आप स्टक हो जाए तो ये क्रिएटिविटी का नहीं होगा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होना चाहिए, आपने जिस वे में सोचा है यदि आपको उतनी दूर जाने के बाद भी वापस आना पड़े तो भी आप उसमें संकोच नहीं करेंगे। तो आपके थिंकिंग में क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। आप रिजिड थिंकिंग नहीं, ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो क्रिएटिविटी का कभी भी तरीका नहीं हो सकता। आपको एक ही डायरेक्शन में सोचने के साथ ही दूसरे डायरेक्शन के लिए भी क्या रहना रहता है, रेडी रहना रहता है। मौलिकता होनी चाहिए, आपके विचारों में मौलिकता होना चाहिए, मतलब आप किसी से भी कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। आपने कहीं से देख लिया, सोच लिया और उसी को आप आधार बना के यदि सोचने का एक प्रयास करेंगे तो वो क्रिएटिविटी नहीं है, ठीक है। और इलेबोरेशन यानी आप इसकी को धीरे धीरे क्या करते हैं, सब डायरेक्शन में बढ़ाते जाते हैं। तो एक प्रकार से आप देखेंगे तो जो क्रिएटिविटी है वो अपसारी चिंतन का प्रकार है। इसीलिए पूछा जाता है कि क्रिएटिविटी क्या है, तो अपसारी चिंतन यानी डायवर्जेंट थिंकिंग है। क्या है, तो डायवर्जेंट थिंकिंग का परिणाम है। सृजनात्मकता क्या है, अपसारी चिंतन का परिणाम है। जो व्यक्ति एक ही प्रकार से सोचता है वो क्रिएटिव नहीं हो सकता, क्लियर। तो ये तत्व है, लेकिन ये टॉरेंस महोदय के द्वारा बताए गए कुछ तत्व हैं। तो क्या इतने ही तत्व होते हैं या इतनी ही विशेषता होती है क्या, किसकी, क्रिएटिविटी की? नहीं, और भी विशेषताएं हैं। जैसे हम इस पे बात करें तो बिल्कुल उन्होंने इस पे भी बल दिया है कि क्या होना चाहिए, सेंसिटिविटी होनी चाहिए, यानी किसी व्यक्ति में संवेदनशीलता होनी चाहिए। यदि वो व्यक्ति क्या बोलता है अपने आप को, यदि वो अपने आप को क्रिएटिव बोलता है तो वो बिल्कुल चीजों को लेके संवेदनशील होगा। क्यों? क्योंकि व्यक्ति किसी प्रॉब्लम को देखेगा तो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, ठीक है। वो संवेदनशील होगा उस प्रॉब्लम को देख के और उसको वो सॉल्यूशन ढूंढने का प्रयास करेगा। तो सेंसिटिविटी बिल्कुल होता है, ठीक है। सेल्फ डिसीजन, मतलब वो रुकेगा नहीं, यदि उसको किसी पे वर्क करना है तो वहां पे वो किसी और के डिसीजन पे बिल्कुल नहीं रुकेगा, है ना, यानी वो स्वतंत्र निर्णय लेगा, स्वतंत्र निर्णय लेने वाला व्यक्ति होगा। नवीनता होगी उसके विचारों में,
नोवेल्टी यानी क्या होगी, उसके विचारों में हमेशा नवीनता होगी। इसके अलावा जो क्रिएटिव प्रोडक्ट्स यानी सृजनात्मकता से उत्पन्न उत्पाद पे वो भरोसा करेगा, उत्पादकों पे वो हमेशा भरोसा करेगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो विशेषता के तौर पे ली जाती है वो यही है कि आपको ध्यान रखना है ये एक साधन के रूप में लिया जाता है ना कि साध। तो आपका एम नहीं है कि आप क्रिएटिव हो, आपका ये है कि आप क्रिएटिव होके किसी एम तक पहुंचे, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति क्रिएटिव है तो उसका कोई उत्पाद यदि निकल रहा है तभी वो समाज के लिए सोसाइटी के लिए काम का है। तो ध्यान रखेंगे एक साधन के तौर पे, एक मीडियम के तौर पे लिया जाता है किसको, तो क्रिएटिविटी को। कुछ विशेषताएं हैं जो आपसे पूछी जा सकती है। क्रिएटिविटी बहुत सारी चीजों से बढ़ती है और शिक्षा का एक सबसे बेस्ट उपागम आपसे पूछा जाएगा, लर्निंग का एक सबसे बेस्ट उपागम यदि पूछा जाएगा, पार्ट पूछा जाएगा, तो वो कौन है, तो वो रचनावादी यानी सृजनात्मक शिक्षा ही है। आज के समय में बच्चों को देनी चाहिए जो शिक्षा वो कैसा है, तो क्रिएटिव एजुकेशन पे ही बल देना चाहिए, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। खेल के द्वारा है ना, मानसिक एक्सरसाइज यानी ऐसे कई प्रैक्टिसेस के द्वारा क्रिएटिविटी को बढ़ाया जाता है। तो ये हम पढ़ेंगे कैसा, तो उसको बढ़ाने के उपाय में। लेकिन इससे संबंधित जो प्रश्न है पहले वो देख लेते हैं। जैसे सृजनात्मकता के तत्वों में शामिल नहीं है, यदि आपसे ये तत्व को पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ पे चार तत्वों को मेन फोकस किया जा रहा है टॉरेंस के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल हमने देखा था फ्लुएंसी यानी प्रवाहिता थी, ठीक है, ओरिजिनलिटी यानी मौलिकता थी, विस्तारण यानी एलाबोरेशन था, और एक लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो यहाँ पे कौन सा है, कठोरता दे दिया गया, फ्लेक्सिबिलिटी की जगह कठोरता, तो यहाँ पे शामिल नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। विशेषताओं से किस प्रकार के जो प्रश्न है वो बन सकते हैं, चलिए अवस्था को तो देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो हम लेते हैं, कौन सा टॉपिक है देखते हैं, तो चरण है। तो यहाँ पे कुछ चरण बताए गए हैं, कुछ स्टेजेस बताए गए हैं सृजनात्मकता के, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या होता है, तो प्रिपरेशन, क्या प्रिपरेशन यानी आयोजन। आप किसी टॉपिक पे रेडी करते हैं, आप किसी विषय के बारे में, यहाँ पे सबसे पहले विषय का चुनाव किया जाता है कि आप एक्चुअल में किस चीज को प्लान कर रहे हैं, तो प्लानिंग यानी आयोजन, ठीक है, प्लानिंग यानी आयोजन। इसके अलावा इंक्यूबेशन, मतलब सेकंड जो है वो क्या है, इंक्यूबेशन यानी उद्भवन, उद्भवन। यहाँ पे आप लगातार सोचते रहते हैं, क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, और यहाँ पे आप चेतन मन से नहीं, पहले वाले में तो आप चेतन मन से सोचते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप कॉन्शियस माइंड से नहीं, अपने अनकॉन्शियस माइंड से यानी अपने अचेतन मन से क्या करते हैं, काम करते हैं। और इस दौरान जब आप काम करते हैं तो अचानक से उस समस्या के बारे में आपको कुछ चीजें या हिंट मिलने लगती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको बोला जाता है क्या, उद्भवन। अगला जो है वो कहलाता है क्या, हाँ, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या कहलाता है, इल्यूमिनेशन, क्या कहलाता है, इल्यूमिनेशन यानी प्रबोधन, क्या कहलाता है, प्रबोधन, ध्यान देना। और आखिरी जो स्टेज है वो कहलाता है वेरिफिकेशन, क्या कहलाता है, वेरिफिकेशन यानी प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण। ये स्टेजेस है आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आयोजन पहला, दूसरा उद्भव, तीसरा प्रबोधन, और चौथा है प्रमाणीकरण। इंग्लिश में बात करें तो प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन और वेरिफिकेशन। तो पहले आप किसी टॉपिक का चुनाव करते हैं, उस टॉपिक के बारे में आपको निदान करना रहता है, ये आपकी समस्या है, इसके बारे में आप प्रिपरेशन करते हैं। दूसरा, आप उसके बारे में जो चेतन मन से छोड़कर अचेतन मन से यानी अनकॉन्शियस माइंड से क्या करते हैं, सोचते रहते हैं, आपके मन के पीछे वाले बैकग्राउंड पे वो चीजें चलते रहती है, क्लियर है। और तीसरा जो है, इसी सोच के दौरान आपको अचानक से उस समस्या के बारे में जो निष्कर्ष है यानी सॉल्यूशन है, है ना, उसका जो निवारण है वो प्राप्त हो जाता है। तो पूछा जाएगा कि किस स्टेज में जो समस्या का निवारण है वो प्राप्त होता है, तो ध्यान रखेंगे प्रबोधन वाले में, ठीक है, इल्यूमिनेशन में। जबकि अचेतन मन से आप किस स्टेज में सोचते हैं, तो आप उद्भव वाले पार्ट में सोचते हैं। और प्रिपरेशन में आप टॉपिक को रेडी करते हैं कि किस बारे में आपको सोचना है, और लास्ट वाले में जो आपको यहां से निवारण है ना प्राप्त हुआ है, आप उसकी जांच करते हैं, ठीक है, आप उसकी जांच करते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं। तो क्रिएटिविटी जो है ये चार स्टेजेस से होके
गुजरती है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके अंदर के टॉपिक्स को पूछा जा सकता है, ठीक है, किस दौरान व्यक्ति को रिजल्ट प्राप्त होता है, ठीक है, तो प्रबोधन में, किस में वो मूल्यांकन करता है, तो याद रखना वेरिफिकेशन है प्रमाणीकरण में। इसके अलावा आपको ये जो चार स्टेजेस है इसको आपको अरेंज करने के लिए बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो यदि हमने अभी यदि कवर किया तो उसको बस हमको क्या करना है, इसको अरेंज करना है। तो देखिए पहला क्या करेंगे, तो पहला आयोजन बिल्कुल, दूसरा हमारा था उद्भवन, तो दूसरा आ जाएगा, यानी क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, तो ए के बाद सी, ऑप्शन नंबर सी में क्या, ए के बाद सी, देन बी और लास्ट में डी, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं, तो चरण हो गए, चरण पे हमने बात कर ली, सिद्धांत कुछ प्रिंसिपल्स हैं, बिल्कुल ध्यान रखेंगे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसमें दिए जाते हैं, तो यहाँ पे स्तर सिद्धांत, देखो एक मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है वो सृजनात्मकता को लेके जो दिया गया है वो सिगमंड फ्रायड का है, वो हमेशा रहेगा, जहां पे भी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत होंगे, चाहे वो व्यक्तित्व को लेके हो चाहे वो सृजनात्मकता को लेके हो। कुछ अलग में याद रखना यहाँ पे कि स्तर सिद्धांत, स्तर सिद्धांत पूछेगा तो वो किसका है, तो याद रखना है आपको स्तर सिद्धांत जो है वो है आईए टेलर का, किसका, आईए टेलर का। तो देखो याद करने का क्या तरीका है, तो स्तर कपड़ों में स्तर कौन लगाता है, तो टेलर लगाता है, तो आईए टेलर याद रख लेना। निवेश सिद्धांत, ठीक है, सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत किसने दिया था, तो यहाँ पे याद रख लेना आपको निवेश यानी इन्वेस्टमेंट किस पे करना है, तो बर्गर पे, किस पे, बर्गर पे, तो स्टर्नबर्ग, क्या याद रखोगे, स्टर्नबर्ग। इसके अलावा अंतःदृष्टि है ना, अंतःदृष्टि सिद्धांत यदि आपसे बोला जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखना कोहलर, किसका है ये, कोहलर का सिद्धांत है, तो एटलीस्ट आपको ये इतने सिद्धांत याद रखना है। इसके अलावा सिगमंड फ्रायड का जो सिद्धांत है वो तो है ही, इसके अलावा अस्तित्ववादी सिद्धांत याद रख सकते हैं, सृजनात्मकता का अस्तित्ववादी सिद्धांत, और ये सिद्धांत दिया है किसने, तो विलियम वुंट ने, किसने, विलियम वुंट ने दिया है। चलिए तो ये हो गया सिद्धांत यानी प्रिंसिपल, फिर उपाय, तो कुछ उपाय है इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट जो बड़ा उपाय जो माना जाता है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग थ्योरी माना जाता है, ठीक है, ब्रेनस्टॉर्मिंग थ्योरी दिया है किसने, तो ऑसबोर्न ने दिया है, किसने दिया है, ऑसबोर्न ने दिया है। इसके अलावा छोटी छोटी तरीके होते हैं, है ना, आप क्विज करके बच्चों के साथ जो लॉजिकल जो या रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उससे भी उसकी क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा सकता है। क्रिएटिविटी बचपन से मतलब 5-6 साल की उम्र से लेके 30 की एज तक क्या होता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। इसके भी अलग अलग चार स्टेजेस बताए गए हैं, जैसे 5 से 6 साल में पहली बार बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल से बहुत जो सारी जो चीजें सीखता है उसको वो डायग्राम जब बनाता है या वो लिखना जब चालू करता है तो उसका क्रिएटिविटी का वो पहला दौर होता है। फिर सेकेंड स्टेज आता है जिसमें उसकी चीजें थोड़ी सी ठीक होती है, बैलेंस्ड होती है, ठीक है, और जब थर्ड स्टेज आता है तो वहां पे बच्चा अटेंशन चाहता है ना, कि उसने जो काम किए हैं वो उसको सोसाइटी की नजर में आए, फैमिली की नजर में आए, ठीक है, और वो उसको उस चीज के लिए कोई ना कोई क्या मिले, प्राइज मिले। और जब फोर्थ स्टेज आता है मतलब जब वो 17-18 की एज में पहुंच जाता है, तब वो अपनी क्रिएटिविटी को लेके बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, सीरियस हो जाता है और उस पर एक प्लान्ड वर्क करने लगता है, ठीक है। चलिए तो सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के लिए उपायों में से कौन सा उपाय नहीं है, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो कौन सा नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ मस्तिष्क उद्वलन विधि यानी ब्रेनस्टॉर्मिंग थ्योरी बिल्कुल है, खेल विधि यानी स्पोर्ट्स के थ्रू भी सिखाया जा सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग ये इसी से संबंधित है, लेकिन परंपरागत शिक्षण प्रणाली को यूज नहीं किया जाता सृजनात्मकता के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, रिमोट एसोसिएट परीक्षण विधि, अब ये मापन की विधि है, ठीक है, कुछ मापन के भी तरीके अपनाए जाते हैं, किसके लिए, सृजनात्मकता को अपनाने के लिए। तो मापन की विधि में अपन को ध्यान देना है कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है मिनेसोटा परीक्षण, मिनेसोटा टेस्टिंग, ये टॉरेंस महोदय का है, किसका है, तो टॉरेंस महोदय का है, टॉरेंस महोदय ने इसे दिया है मिनेसोटा परीक्षण, तो मिनेसोटा क्रिएटिविटी टेस्टिंग किसका है पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान देना है मिनेसोटा क्रिएटिविटी टेस्टिंग जो है वो टॉरेंस महोदय का है, तो इसको लिख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम परीक्षण पे यानी मापन पे देख रहे हैं, तो मापन पे हमको सबसे पहले जो ध्यान देना है वो याद रखना है किसका, टॉरेंस महोदय का, टॉरेंस महोदय का मिनेसोटा परीक्षण, ठीक है, मिनेसोटा परीक्षण।
ठीक है। अगला यहां पे आपको थोड़ा सा इंडियन में भी ध्यान रखना है। इंडियन में एक चीज ध्यान रखेंगे, इंडियन में क्या है तो बीके पासी का, किसका, बीके पासी का टेस्ट है, और बाकर मेहंदी का, किसका, बाकर मेहंदी का। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बाकर मेहंदी और बीके पासी टेस्ट किससे संबंधित है, तो सृजनात्मकता से संबंधित है। लेकिन इंपॉर्टेंट आपको पहला जो याद रखना है वो किसको याद रखना है, टॉरेंस को याद रखना है, मिनिसोटा परीक्षण। इसके अलावा आरएटी यानी रिमोट एसोसिएट टेस्ट, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में देखेंगे ये टेस्ट, दो तो हमने देख लिया, एक ये देखेंगे रिमोट एसोसिएट परीक्षण विधि किससे संबंधित है, टॉरेंस, गिलफोर्ड, मैडनिक या ऑसबोर्न। तो आपको याद रखना है ये मैडनिक का है, रिमोट एसोसिएट परीक्षण यानी आरएटी, रिमोट एसोसिएट टेस्ट, क्लियर है। इसके अलावा ऑसबोर्न का हमने उपाय देखा था, वो था ब्रेन स्टॉर्मिंग थ्योरी, ठीक है। चलिए इसके अलावा गिलफोर्ड का भी परीक्षण क्या है, फेमस है, ये तीनों ही मापन के लिए फेमस है, किसके मापन के लिए, तो क्रिएटिविटी के मापन के लिए, मेजरमेंट के लिए। चलिए, जबकि ऑसबोर्न को हमने उपाय भी देखा है क्रिएटिविटी को बढ़ाने के। तो हमने टॉपिक्स तो पूरे कवर कर लिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट जो कंडीशनल क्वेश्चन आ सकते हैं जिसपे आपने अभी तक जो पढ़ा हुआ है उसको ही आपको क्या करना है, कवर करते हुए चीजों को आपको यूज करते हुए क्वेश्चन को कवर करना है। चलिए, निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। क्रिएटिविटी को बढ़ाने में कौन सा सहायक नहीं है, खेल, बिल्कुल है सर, हमने देखा। कहानी लिखन, बिल्कुल होता है, स्टोरी लिखने से बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ती है। कुछ निर्माण संबंधी क्रियाएं यानी जो ब्लॉक वाले जो गेम्स हैं, यदि आप वो करवाते हैं तो बिल्कुल होता है, लेकिन उसको सिर्फ भाषण देते रहेंगे तो उसकी क्रिएटिविटी नहीं बढ़ेगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, सीखने का वह मॉडल जो बच्चों की सृजनात्मकता को उत्प्रेरित करता है, क्या बैंकिंग मॉडल, रचनावादी मॉडल, प्रोग्रामिंग मॉडल, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है, कि रचनावादी मॉडल जो उसको क्या कर सकता है, क्रिएटिव बना सकता है, जिससे कुछ नया क्रिएट हो, बैंकिंग मॉडल से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। प्रोग्रामिंग भी एक फिक्स है जहां पे आपको प्रोग्राम्स को याद रखना रहता है ना, एक एक पॉइंट को याद रखना रहता है, तो ये दोनों तो परंपरागत हो गए, लेकिन मानवता सॉरी रचनावादी जो मॉडल है वो क्या है, यूनिक और नया है, जो सिखाता है। सबसे उपयुक्त तो उपागम कौन सा है शिक्षा का आज के वर्तमान दौर में, तो व्यवहारवादी, सृजनवादी, संरचनात्मक उपाय उपागम, या मानवतावादी उपागम। तो बिल्कुल यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जो लिया गया वो क्या है, तो सृजनवादी, जिससे कुछ नया उपागम, जिससे कुछ नया मिले। शिक्षा में मेनली जो लिया गया है वो कौन सा उपागम लिया गया है, तो सृजनवादी, क्लियर है, ध्यान रखेंगे। शिक्षा में सबको शामिल करना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक की शिक्षण योजना में क्या होना चाहिए, मतलब शिक्षक को क्या क्या चीजों को फॉलो करना चाहिए, उसके लिए क्या बेहतर है जिससे वो सभी को क्या करे, शिक्षा में शामिल कर ले। पहला, लचीलापन हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, आत्मसम्मान केंद्रित हो, सचेतन एवं संवेदनशील हो, या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल एक शिक्षक में ये गुण होने चाहिए, जो सभी गुण रिक्वायर्ड है वो होने चाहिए, ठीक है। धारा प्रवाहिता, विस्तार, मौलिकता और लचीलापन, हाँ ये सभी क्या है, तो हमने देखा था सृजनात्मकता के तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं। तो ये सब चीजें किससे, किस चीज को आगे बढ़ाती है, किस चीज पे ज्यादा फोकस करती है, या किस चीज के लिए आवश्यक है, तो ध्यान रखेंगे ये अपसारी चिंतन के लिए यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए आवश्यक है। तो यदि हम इसको ऑप्शन नंबर सी करें, इसको डी करें, तो अपसारी चिंतन, ध्यान रखेंगे यहां से ये सभी चीजें जो आवश्यक है वो किसके लिए है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए आवश्यक है। चलिए, सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है ना, कौन सा ऐसा विद्यार्थी जो क्रिएटिव स्टूडेंट कहलाएगा। पहला, वह बहुत बुद्धिमान है। दूसरा, परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करता है। पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा है, और ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत अतुल्य है। तो हमेशा क्रिएटिविटी में एक बात का ध्यान रखना कि कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट यदि मिल रहा है तो वो क्रिएटिविटी का फिर क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। तो पार्श्व चिंतन और समस्या के समाधान में अच्छा है, यहाँ पे नई चीजें क्या है कि वो सॉल्यूशन अच्छा दे देता है, ठीक है, और आगे के चिंतन पे बल कर देता है। सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग, व्याख्यान विधि, दृश्य, श्रव्य सामग्री, या उपरोक्त सभी। तो
तो यहाँ पे सृजनशीलता के लिए बोला गया है, तो बिल्कुल ब्रेनस्टॉर्मिंग थ्योरी आवश्यक है, ठीक है। व्याख्यान विधि के द्वारा भी किया जा सकता है, और दृश्य श्रव्य सामग्री यानी बच्चे को क्रिएटिविटी की चीजें दिखाई जा सकती है, जैसे मूवीज दिखाने से, वीडियोस दिखाने से बच्चे क्या है बहुत जल्दी सीखते हैं, ठीक है। तो ये सभी विधि जो है उस पर क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए अपनाई जाती है, ठीक है। चलिए प्रश्न हो चुका है, देख चुके हैं। छात्रों को प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देकर, उन्हें उचित मार्गदर्शन देकर, हर समय उदाहरण देकर और कक्षा में भाषण देकर। तो ये दो चीजें तो बच्चे कभी पसंद नहीं करते, हमेशा आप एग्जाम्पल दो और दूसरा भाषण दे, ये भले पसंद कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका सही आंसर होगा उचित मार्गदर्शन। आप किसी बच्चे को बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पे उन्हें एक सही गाइडेंस रिक्वायर्ड होता है। सृजनात्मकता की पहचान होती है चित्रकला से, संगीत से, नवीन परिणाम से या पुराने व्यवहार से। तो ऑब्वियस सी बात है, जहां क्रिएटिविटी आ रही है सर वहां क्या आना चाहिए? नवीन परिणाम आना चाहिए। तो ये घुमा फिरा के जो प्रश्न के तरीके हैं वो वही हैं, आपको एक ही चीज का ध्यान देना है कि कुछ नया मिल रहा है क्या। यदि सृजनात्मकता की बात है तो वहां पे हमेशा नवीन विचारों को ध्यान दिया जाएगा। इस क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि सृजनात्मकता एक ब्रांच है, एक शाखा है, किसकी? औद्योगिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान या व्यक्तित्व मनोविज्ञान। तो याद रखना ये पर्सनालिटी साइकोलॉजी यानी व्यक्तित्व मनोविज्ञान का क्या है, भाग है। चलिए तो यहां तक हमने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, किसके? सृजनात्मकता के, वो हमने यहाँ पे कवर किया। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।